चंबल प्रदेश भर में आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क का वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। महिला हेल्पलाइन डेस्क मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए हैं, जिसमें पीड़ित महिलाओं की तुरंत सुनवाई व पीड़ित महिलाओं की मदद की जाएगी। संबल जनपद में भी आज सभी थानों में महिला हेल्पलाइन डेस्क बनाए गए हैं, जिनका जिले के SP यमुना प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस दौरान विभिन्न संगठनों, समाज सेवियों आदि को आमंत्रित किया गया था, जिसमें मिशन शक्ति के दौरान बनाए गए हेल्पलाइन डेस्क के माध्यम से अब पीड़ित महिलाओं की जल्द सुनवाई की जाएगी। पीड़ित महिला अपनी किसी भी परेशानी को लेकर थाने में आए और महिला आरक्षी को निडर होकर बताएं। मिशन शक्ति के दौरान सभी थानों में बनाए गए महिला हेल्पलाइन डेस्क 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। वहीं महिला हेल्पलाइन डेस्क में आई शिकायतों की उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। क्या समस्या थी आप? मेरी समस्या ये थी, मेरे पति के साथ किसी औरत का अफेयर था। जिसमें अपनी मायके में रह रही थी, मेरा महल्ला थाने में समझौता हो गया, बधाई हूँ। जी, अब मैं अपने पति के साथ। तुमने कंप्लेन कहाँ दी थी? जी, मैंने बधाई दी पुलिस में, यहाँ भी थी। बताइए। पुलिस ने आपकी मदद करी पूरी? जी, मदद करी मेरी। अब समझौता भी हो गया। जी, सही सर। अपने पति के साथ हो ना? आज अपने पति के साथ हो, किसकी वजह से हो? मेरा समझौता हुआ। किसकी वजह से? पुलिस का सपोर्ट मिला? नहीं मिला जी, मिला। पुलिस की वजह से हो या अपने आप की वजह से? नहीं, पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा पीछे कप्तान सर खड़े हैं, उनका धन्यवाद करना चाहती हैं। देखिए, इसके लिए पहले मिशन शक्ति के अंतर्गत हम लोग माँ दुर्गा आदि शक्ति के रूप में, जो हमारे आदित्यनाथ योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री ने जो हम लोग को ये सौगात दी है, इसके लिए हम उन लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसे अवसर पर हम लोग की महिलाओं को जागृत करने की पूरी कोशिश करी गई है। और एक जो महिलाएं थाने में आने से घबराती थी, अब वो घबराएंगी नहीं, वो आगे आएंगी और अपना प्रॉब्लम बेझिझक होके जो महिला अधिकारी यहाँ बैठी होगी उससे डिस्कस करेंगे। हम लोग साथ हैं। हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का इस हेल्प डेस्क के लिए। अच्छा, जिस तरह से नवदुर्गों में ये महिला मिशन शक्ति चल रहा है और इसकी शुरुआत भी नवदुर्गों में, तो क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए आदि शक्ति हमारी पार्वती के रूप में हमारे नवदुर्गा को हमारी महिला शक्ति से जोड़ा गया है। अगर हम देखा जाए तो शक्ति ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम उधार ले कर सकें या हम किसी को दे सकें। शक्ति स्वयं में है, शक्ति अंदर है, हर महिला के अंदर शक्ति है। बस अपना ही है कि महिला अपनी शक्ति को पहचाने और आत्मसम्मान, आत्मगरिमा, आत्म सुरक्षा रखते हुए आगे बढ़े और अपने आप को स्टैब्लिश करें, शिक्षित बने और अपना मुकाम हासिल करें, तभी हम सम्मान दिला पाएंगे। क्योंकि हम लोग महिला सम्मान में, महिला सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। सुरक्षा के ऊपर तो बहुत सारी हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने दिए हैं, जैसे 1090 112 181 1076 1022। बहुत एंटी रोमियो स्काउट काम कर रहा है, हमारा परिवार परामर्श काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं सरकार ने हमें दी हैं जिसमें सुरक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं। बट आत्मसम्मान बनाना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, अपने आप को खड़ा करना है और अपनी गरिमा रखते हुए अपने आप की पहचान बनानी है। वही शक्ति है, वही मिशन शक्ति का असली स्वरूप है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में जनपद संभल में भी हमारे 12 थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पुलिस पर्सनल और जन सहभागिता के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सम्मिलित होकर के इसका उद्घाटन किया गया है। समाज में महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जितनी भी हमारी महिलाएँ, माताएँ, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उन सभी की सुरक्षा और उनका सम्मान बनाए और बढ़ाए रखने के लिए ये हेल्प डेस्क कारगर साबित होगा और इसी के माध्यम से समाज में ये मैसेज जाएगा कि नारी सम्मान हमारे लिए कितनी प्राथमिकता का विषय है। धन्यवाद।